नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रचंड जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। जनता दल सेकुलर ऐसा लग रहा है कि वह अपने अस्तित्व के आखिरी दौर में है। कम से कम इन चुनाव से ऐसा संकेत मिलता है कि उसकी शक्ति काफी कम हो गई है। इन चुनावों का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जो अलग अलग चुनावों के खिलाड़ी थे उनके संदर्भ में उन चुनावों को हम कैसे समझ सकते हैं और विपक्ष की राजनीति का जो एक दुर्गामी स्वरूप है उस पर ये चुनाव परिणाम क्या प्रभाव डाल सकते हैं, इन सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। मैं पहला प्रश्न आपसे यही करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी है जो उसे प्रचंड जीत मिली है, शायद 2014 के बाद पहली कोई विधानसभा चुनाव ऐसा कोई है जिसमें उसको इतनी अच्छी जीत मिली है, तो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में आप इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, ये पहली जीत नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को इससे भी बड़ी जीत प्राप्त हुई थी। समस्या विधानसभा चुनाव जीतने भर की नहीं है। समस्या ये है कि विधानसभा चुनाव में जब जीत हासिल हो जाती है उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसको लोकसभा चुनाव की जीत में नहीं बदल पाती। छत्तीसगढ़ में जो जीत प्राप्त हुई थी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां कांग्रेस जितनी जबरदस्त जीती थी उतनी ही बुरी तरीके से लोकसभा का चुनाव हार गई। अब कर्नाटक में भी उसके सामने यही अंदेशा है। हालांकि कर्नाटक की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों से भिन्न है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो विधानसभा चुनाव में उसको जो वोट मिले हैं, जो कि सारे कर्नाटक की हर बिरादरी के वोट हैं, मुसलमानों के खास तौर से 73-75% उसको वोट मिले और पिछड़े वर्ग के दलितों के आदिवासियों के वोटों के साथ साथ लिंगायत समुदाय ने जो कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था उसने भी उसको वोट दिए, वोकिले का समुदाय ने जो जनता दल सेकुलर का जनाधार था उसने भी उसको वोट दिए। तो इतने वोट और इतने तरह तरह के वोट पाने के बाद में अब कांग्रेस पार्टी की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि वो लोकसभा चुनाव में भी इस प्रदर्शन को दोहराए। अगर उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाती है तो इस विधानसभा की जीत का उसको कोई लाभ नहीं होगा। और जो इसमें सवाल है कि कई सारे टीकाकार इस बात को सामने रख भी रहे हैं, खासतौर पर योगेंद्र यादव ने इस बात को रखा कि कर्नाटक की इस जीत में भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो आपको क्या लगता है कि यह भारत जोड़ो यात्रा का योगदान है या फिर वहां के स्थानीय नेतृत्व का या दोनों का मिला जुला? देखिए, मैं मानता हूं कि चुनाव की जीत हार जनता के रवैये से होती है। पार्टियां तो उस रवैये का लाभ उठा सकती हैं या उस रवैये की वजह से पार्टियों को नुकसान हो सकता है। कर्नाटक की जनता के नजरिए के कारण, कर्नाटक की जनता की प्राथमिकताओं के कारण भाजपा को नुकसान हुआ और कांग्रेस को लाभ हुआ। कांग्रेस की कामयाबी इस बात में है कि उसने जनता के उस रवैये को भांपा, अपनी शक्तियों में जहां फूट पड़ी हुई थी उसमें एकता की और उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। अब सवाल यह है कि जो पार्टियों का नेतृत्व होता है, आला कमान होता है, वो उस जीत का श्रेय लेने के लिए झपटता है। पार्टी के बड़े नेता उस जीत का श्रेय लेने के लिए झपटते हैं। भाजपा में भी इस तरह की कवायद होती है और कांग्रेस में भी इस तरह की कवायद हो रही है। मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि अगर भाजपा सरकार के खिलाफ इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो भारत जोड़ो यात्रा होती, राहुल गांधी होते, सोनिया गांधी होती, प्रियंका गांधी होती, मल्लिकार्जुन खड़गे होते, कोई भी होता, कांग्रेस नहीं जीत सकती थी। आप देखिए ना कि ऐसा समाज का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसने भाजपा के खिलाफ वोट ना किया हो। सारे देश में स्त्रियों के वोट भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मिलते हैं, लेकिन कर्नाटक के इस चुनाव में स्त्रियों के वोट भाजपा को कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा मिले। हाँ, कांग्रेस को इसका श्रेय जरूर दिया जा सकता है कि उसने दो मास्टर स्ट्रोक खेले। पहला मास्टर स्ट्रोक 5 गारंटियों के रूप में आया था जिसके अंदर उन्होंने महिला वोटरों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। वो 5 गारंटियों में जो उनकी सुविधाएं हैं वो ज्यादातर स्त्रियों के लिए है, तो स्त्रियों को लगा कि ये पार्टी है जो हमारे हितों का ध्यान रखेगी। दूसरा मास्टर स्ट्रोक जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा था, वो बजरंग दल पर प्रतिबंध के वायदे को लेकर जो घोषणा पत्र में शामिल किया गया उसको मैं मानता हूं। हालांकि बहुत सारे समीक्षक ये मानते हैं कि कांग्रेस ने बड़ी भारी गलती की, नरेंद्र मोदी के लिए एक लूज बॉल फेंक दी, नरेंद्र मोदी उस पर छक्का लगाने के लिए तैयार थे,
कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए था, मैं इस आलोचना से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस ने बहुत सी गलतियां की हैं और कर्नाटक के चुनाव में भी कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन ये गलती नहीं है। मेरा मानना है कि यही बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वायदा वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने ओल्ड मैसूर के मुसलमान मतदाताओं को विश्वास दिला दिया कि ये पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती है। देखिए कर्नाटक के जो मुसलमान मतदाता हैं वो हमारी आपकी तरह कन्नड़ भाषा तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारी आपकी तरह वो हिंदुस्तानी भी बोलते समझते हैं। जब उत्तर से या दिल्ली से गए पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, उसमें से कईयों ने संदेह व्यक्त किया कि अगर वो जनता दल सेकुलर को वोट देंगे तो ये पार्टी खुद अकेली दम पे सरकार तो नहीं बना पाएगी, लेकिन ये भाजपा के साथ मिल सकती है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इसकी गुंजाइश बिल्कुल खत्म कर दी। उन्होंने जम के कांग्रेस को वोट दिए और जनता दल सेकुलर उस चक्कर में बुरी मार पड़ी उसके ऊपर। फिर कांग्रेस ने यह भी बहुत अच्छा काम किया कि उसने जिस तरह टिकटों का बंटवारा किया उसमें लिंगायतों को भी टिकट दिए, वोकलगांव को भी टिकट दिए, पिछड़ी जातियों को भी टिकट दिए, मुसलमानों को भी टिकट दिए, तो भाजपा के मुकाबले उसका टिकटों का बंटवारा भी कन्नड़ समाज की ज्यादा बेहतर नुमाइंदगी करता था। इस तरह से जो कांग्रेस को सफलता मिली है उस सफलता मैं समझता हूं कि जो भाजपा सरकार का निकम्मापन था और भ्रष्टाचार था उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं जो आप रूपक की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाणक्य टुडे ने जो एग्जिट पोल किया उस एग्जिट पोल के विश्लेषण में ये निकला कि 40% मतदाता भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुख मुद्दा मानते हैं और उसी लिहाज से उन्होंने वोट दिया। कांग्रेस ने भाजपा मुंबई सरकार पर जो आरोप लगाया था वो 40% सरकारा का आरोप था, 40% कमीशन की सरकार है वो आरोप था, और भाजपा की सीटें गिरी कितनी, 40% सीटें गिरी। आप देखिए ये 40 का आंकड़ा आपको सब जगह दिखाई पड़ता है, मतलब ये एक संयोग है, लेकिन ये संयोग बताता है कि बात कहां से निकली और कहां तक पहुंची। जो नरेंद्र मोदी जी ने काफी आक्रामक रूप से प्रचार किया, जो शायद वो हर चुनाव में करते हैं, अपने आप को विक्टिम के रूप में प्रस्तुत किया, बजरंगबली का नारा उन्होंने दिया, जय बजरंगबली हर रैली में वो बोलते थे, तो उनके लिहाज से अगर हम इन चुनावों के नतीजों को देखें तो कैसे हम देख सकते हैं, क्या उनके लिए गुजरात को छोड़कर, कमल गुजरात को छोड़कर जितने भी गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहां नरेंद्र मोदी एक नेता के रूप में सफल नहीं है। उन्होंने बंगाल में भी बहुत चुनाव प्रचार किया था, भाजपा वहां बुरी तरीके से हार गई, बस वहां पर अपनी चेहरा बचाने के लिए वो कहने लगे कि हमारी इतनी कम सीटें थी लेकिन हम प्रमुख विपक्ष की पार्टी के रूप में उभर आए। ये तो केवल कहने के लिए दिया जा सकने वाला तर्क था, लेकिन वहां पर जो उनकी दावेदारी थी वो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे। उड़ीसा में भी उनके भाषणों का कोई असर नहीं होता, और कर्नाटक ने तो दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी की मीटिंग में नियोजन पूर्वक बहुत से लोग लाए जा सकते हैं वहां पर, लेकिन उनकी बातों का लोगों को कोई असर नहीं होता। उन्होंने जय बजरंगबली के भी नारे लगाए, उन्होंने जनता से भी कहा कि मेरा अपमान किया गया, मुझे 91 गालियां दी गई, जनता ने कहा ठीक है अपमान किया गया हमें कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा को वहां पर दांव पर लगाया, उनकी किसी भी बात को जनता ने प्राथमिकता नहीं दी। अगर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई रैलियों और राहुल गांधी द्वारा की गई रैलियों और रोड शो की तुलना करें, उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा, तो राहुल गांधी की रैलियों और रोड शो का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा है और नरेंद्र मोदी का 40% के आसपास है। फिर से 40% आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की बातों का कर्नाटक की जनता पर कोई असर नहीं हुआ। और अगर नरेंद्र मोदी और कर्नाटक की राजनीति के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे नरेंद्र मोदी कभी भी कर्नाटक की जनता को प्रभावित नहीं कर पाए। जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे 2013 में, तब भी भाजपा बुरी तरह वहां चुनाव हार गई थी। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, उसमें भी भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई और फिर कांग्रेस और कुमार स्वामी ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो ये दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं है, किसी भी गैर हिंदी भाषी इलाके में नरेंद्र मोदी के भाषण वो असर नहीं डालते जो कि हिंदी भाषी इलाके में असर डालते हैं। हालांकि कुछ ऐसे इलाके उत्तर भारत में भी हैं जहां नरेंद्र मोदी के भाषणों का असर नहीं होता, जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषणों का असर नहीं होता। दो चुनाव में उनके भाषण बेअसर साबित हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि तीसरे चुनाव में भी उनके भाषण बेअसर होंगे। तो इससे एक और बात निकलती है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से तुलना करते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अखिल भारतीय नेता है। नरेंद्र मोदी दरअसल अखिल भारतीय नेता नहीं, नरेंद्र मोदी उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के नेता है और पूर्वी भारत में भी कुछ उनकी पकड़ है।
लेकिन वो दक्षिण भारत के नेता नहीं है, वो उस इलाके के नेता नहीं है जो कि गैर हिंदी भाषी इलाका है। कर्नाटक के चुनाव में एक ऐसी घटना भी हुई कि जब वो एक भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपनी बात कही और दूसरे माइक पर एक कन्नड़ भाषी कार्यकर्ता उनकी उनकी भाषण का अनुवाद कर रहा था, तो वो उन्होंने थोड़ी सी बात कही और उस कार्यकर्ता ने बहुत देर तक उसका अनुवाद करना जारी रखा, नरेंद्र मोदी चिढ़ गए और वो पीठ करके खड़े हो गए वहां। तो इस तरह की बहुत सारी, एक व्हाट्सएप पे ये भी खबर आई थी, मुझे नहीं पता इसकी पुष्टि हुई या नहीं हुई, ये भी खबर आई थी कि उनकी रैली के बाद में कुछ जो श्रोता थे उन्होंने एक धरना दे दिया भाजपा के खिलाफ, क्योंकि हमें 200 रुपए 500 रुपए का वादा किया गया था लेकिन हमें केवल 200 रुपए दिए गए। मुझे नहीं पता ये खबर सही है कि नहीं सही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्ववादी नेतृत्व जो है वो गैर हिंदी भाषी इलाकों में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो भाषाई समस्या है, वो सांस्कृतिक समस्या है, वो राजनीतिक समस्या है। कर्नाटक में इतने दिनों से भाजपा भी मौजूद भी है, आज तक वो कर्नाटक के समाज का मिजाज नहीं समझ पाए। वो सोचते रहे कि यहां पर कोई एक हिंदू ध्रुवीकरण हो जाएगा। मुस्लिम ध्रुवीकरण तो हो गया, उसकी प्रतिक्रिया में कोई हिंदू ध्रुवीकरण नहीं हुआ, और उनके उन्हें डर इस बात का था कि कहीं उनके खिलाफ हिंदू ध्रुवीकरण ना हो जाए। जब लिंगायत लॉबी ने भाजपा आलाकमान पर दबाव डाला किसी लिंगायत चेहरे को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, तो अमित शाह को यह कहना पड़ा कि अगर हमने लिंगायत चेहरा घोषित कर दिया तो हमारे खिलाफ गैर लिंगायत एकजुट हो जाएंगे। तो गैर लिंगायत कौन है, तो सारे के सारे हिंदू हैं। तो यहाँ वहां तो भाजपा कुछ और ही किसी और ही चुनौती का सामना कर रही थी। जो जनता दल सेकुलर है उसकी जो शक्ति में कमी आई उसका कारण क्या हो कहा जा सकता है और उसे लाभ किसको हुआ, कांग्रेस को? कारण बहुत स्पष्ट है कमल, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। देवगौड़ा 90 साल के हो गए हैं और राजनीतिक जीवन के लिहाज से उनकी ये आखिरी पारी है। उनके उनके परिवार का ही पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा है, इसलिए कई नेता इसके विरोध में पार्टी छोड़ के भी जा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि उनके घर के अंदर बहुत नेतृत्व को लेकर मतभेद है। तीसरी बात यह है कि अपने आप को लगातार किंग मेकर बनाने वाली ये जो बताने वाली जो प्रवृत्ति है, ये आपकी पूरी राजनीति को एक घटिया किस्म की अवसरवादी राजनीति में बदल देती है। आप चुनाव से पहले कहने लगते हैं कि हम उसके साथ जाएंगे जो हमारी सारी शर्तें पूरी करेगा, यानी आप सोचते हैं 25-30 सीटें जीत जाएंगे, फिर आप लगातार एक त्रिशंकु विधानसभा की कल्पना करते हैं और आपकी रणनीति भी वही हो जाती है। यानी आप अस्थिर राजनीति के अंदर अपने लिए मौका तलाशते हैं, आप स्थिर राजनीति देने की योग्यता खो बैठते हैं, वो क्षमता खो बैठते हैं। तो ऐसी पार्टियां एक लंबे अरसे तक टिकी रहती हैं, अपनी ताकत से ज्यादा आगे बढ़कर सौदेबाजी करती हैं और कभी कभी फायदा भी उठाती हैं, लेकिन अंततः उनका बहुत बुरी तरह पराभव होता है और वो विनाश की तरफ चल पड़ती हैं। जनता दल सेकुलर आजकल उसी मोड में है, जनता दल सेकुलर एक ढलान से उतर रही है। इस पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, उनका सारा वोट भाजपा में चला गया। इस चुनाव भाजपा को लाभ उन्होंने दिया था, इस विधानसभा चुनाव में उनका जो वोकिल का वोट है बड़े पैमाने पर कांग्रेस को मिला है। अब उनके पास है क्या, मुसलमान वोट तो है नहीं, उसने ने वोट नहीं दिया। वोकिल का जिस समुदाय से देवगौड़ा परिवार खुद आता है उसके भी बड़े हिस्से ने उनको वोट नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसके पास दरअसल अब कुछ नहीं बचा है। जी, ये एक योगेंद्र यादव, केसी सूरी और सुहास पलसीकर ने 2014 के चुनाव के पहले एक अवधारणा प्रस्तुत की थी नॉन कांग्रेस पॉलिटी की। तो यानी कि अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं या वहाँ की जो शक्तियाँ हैं वो एक बड़े राजनीतिक दल का मुकाबला कर रही हैं, वो वहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये लगता है कि क्या हम ये एक मॉडल के रूप में से देख सकते हैं कि 2024 में जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे और इस तरीके से विपक्ष एक चुनौती दे सकता है जो एक केंद्रीकृत नेतृत्व। इसको क्षेत्रीय नेतृत्व तक सीमित क्यों रखते हैं आप, बात आपकी सही है, लेकिन इसमें आप क्षेत्रीय नेतृत्व को क्यों ला रहे हैं? क्षेत्रीय शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो अपने अपने राज्यों में उनका दबदबा है, वो भाजपा का वहां मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन इससे थीसिस तो ये निकलती है कि जिस पार्टी का जिस राज्य में दबदबा होगा, वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, उसे अपने इलाके में भाजपा का मुकाबला करना होगा। मसलन कर्नाटक में कांग्रेस करेगी भाजपा का मुकाबला, जनता दल सेकुलर नहीं करेगा, वो क्षेत्रीय शक्ति है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी मुकाबला, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस मुकाबला करेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी, उड़ीसा में बीजू जनता दल मुकाबला करेगा, गुजरात में कांग्रेस करेगी मुकाबला
मैं ये कह रहा हूं कि ये इसको क्षेत्रीय दल के रूप में क्यों कहा जाए। जितनी भी गैर भाजपा शक्तियां हैं, अगर उन्हें भाजपा को चुनाव हराना है तो उन्हें अपने क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उनके लिए राजनीतिक शक्ति बने रहने का मतलब केवल ये नहीं है कि विधानसभा का चुनाव जीत लिया जाए, उन्हें लोकसभा चुनाव में भी उसी शक्ति के साथ में और क्षमता के साथ हस्तक्षेप करना होगा जिस तरीके से वे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में करते हैं। वरना क्या होगा कि देश की राजनीति में एक असंतुलन हो जाएगा, केंद्र में भाजपा बनी रहेगी और वो लगातार क्षेत्रीय शक्तियों और गैर भाजपा शक्तियों को मटिया बैठ कर देने की जुगाड़ में लगी रहेगी, तरह तरह की योजनाएं बनाएगी, कभी राज्यपालों का इस्तेमाल करेगी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देकर इसकी पर टिप्पणी की है, कभी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेगी, सब विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया जाएगा, उनको हमेशा उनके सिर पर जेल जाने की तलवार लटकती रहेगी। तो ये सब जो अगर इस चीज से सब लोगों को बचना है तो उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में अपने प्रभाव को इतना आगे बढ़ाना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने इलाकों में परास्त कर सके। ये जो नीतीश कुमार जिस तरह की कवायद कर रहे हैं, तो कुछ टीकाकार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस चूंकि थोड़ी मजबूत हो रही है तो उसको एक झटका मिल सकता है, क्या आपको लगता है कि उसकी संभावनाएं अभी बची हुई हैं उस तरह की? देखिए ये पूरी कल्पना कि कांग्रेस विपक्षी एकता का नेतृत्व करेगी, सब लोग कांग्रेस के, या तो कांग्रेस उनको पटा के अपने मंच पर ले आएगी या लोग मजबूरी में कांग्रेस का नेतृत्व मान लेंगे और फिर सारे देश में अधिकतम सीटों के ऊपर का भाजपा के उम्मीदवारों के मुकाबले विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार खड़ा होगा। ये जो पूरी कल्पना है, ये कल्पना 67 और 77 के विपक्षी एकता के मॉडल की नकल है, इस तरीके से नहीं होगा। देखिए 77 तक क्षेत्रीय शक्तियों का, क्षेत्रीय राजनीति का उदय ही नहीं हुआ था, क्षेत्रीय शक्तियां थी लेकिन वो क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में राजनीतिक उनका कोई मॉडल नहीं था। 80 के दशक में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और उसका पहला लाभ भाजपा को मिला। भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि वो क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर करना चाहती है और उसका लाभ उठाकर भाजपा ने क्षेत्रीय शक्तियों से अच्छे संबंध बनाए और अपना विकास किया। आज भाजपा उसका फायदा उठा रही है। आज भाजपा वही काम कर रही है जो उस वक्त कांग्रेस करती थी, क्षेत्रीय शक्तियों को तंग करती थी, उन्हें असुरक्षा का शिकार बनाती थी। आज भाजपा वो काम कर रही है तो आज कांग्रेस को वो लाभ उठाना चाहिए। कांग्रेस कई जगहों पर क्षेत्रीय शक्तियों के मुकाबले विधानसभा का चुनाव लड़ती है लेकिन वो लड़ाई विधानसभा तक है। लोकसभा में कांग्रेस उनके साथ कैसे समझौता करेगी? इसका कोई फार्मूला राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलकर निकालना चाहिए। और सर ये आखिर में मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो बार बार बात आती थी पहले के चुनाव में कि एक वैकल्पिक नैरेटिव विपक्ष के पास होना चाहिए, तो क्या आपको ये लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में उस दौरान जो चुनाव प्रचार हुए, जो मुद्दे हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक नैरेटिव की रूपरेखा, एक संकेत विपक्ष को दिया? बिल्कुल, आप देखिए, खुली आंखों से देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घटिया गवर्नेंस, ये चार मुद्दे हैं। ये स्थानीय मुद्दे नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता हर जगह कह रहे हैं कि हमने लोकल से नेशनल को हरा दिया। यानी नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं? नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय मुद्दे हैं राम जन्मभूमि आंदोलन, राम मंदिर, धारा 370, समान नागरिक संहिता, ये नरेंद्र मोदी के मुद्दे हैं। जबकि उनके मुकाबले ये मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश में काम कारगर साबित हुए, जो कर्नाटक में कारगर साबित हुए। अगर जब तक विपक्ष इन मुद्दों को लोकल मुद्दे के तौर पर देखता रहेगा तब तक वो नैरेटिव नहीं बना पाएगा। ये समस्याएं हर जगह हैं। भाजपा की सरकारें भ्रष्ट हैं, भाजपा की सरकारें निकम्मी हैं, ये हिमाचल प्रदेश में साबित हो चुका है, कर्नाटक में साबित हो चुका है और दिल्ली नगर महापालिका के चुनाव में साबित हो चुका है। लगातार 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है इन्हीं 2 बातों, इन्हीं चीज को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। दूसरे, भाजपा के लोगों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है, वो सोचते हैं कि रणनीति के जरिए हर चीज का प्रबंधन किया जा सकता है। कल उनकी प्रवक्ता है अपराजिता सारंगी, वो कह रही थी कि हमें रणनीतिक खामी रह गई, तो मैंने उसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति का सार जो है वो रणनीति में नहीं है, लोकतांत्रिक राजनीति का सार गवर्नेंस में है, सुशासन में है। आपकी समस्या वहां पे है, आपकी समस्या केवल रणनीति में नहीं है कि कितनी भी अच्छी रणनीति बना लेते फिर भी हार जाते चुनाव, हो सकता 5 सीटें कम हारते। ऐसा कौन सा चुनाव है जो केवल रणनीति के दम पर जीता जाता है?
दिल्ली नगर महापालिका चुनाव में कितनी रणनीति इन्होंने अपनाई, कुछ सीटें ज्यादा जीत गए लेकिन चुनाव तो हार गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी रणनीतियां अपनाते हैं, चुनाव हार गए। 2015 के बिहार चुनाव में कितनी रणनीतियां अपनाते हैं लेकिन सामाजिक गठजोड़ इतना जबरदस्त था उसने चुनाव हरा दिया। अगर केवल रणनीति के दम पर जीत पाते तो अभी साउथ इंडिया में भी इनका बोलवाला होता। रणनीति महत्वपूर्ण होती है, वो उसके जरिए आप जनता का मन पढ़ते हैं। लेकिन अगर केवल रणनीति के ऊपर आप अगर कायम रहेंगे तो जनता का मन भी आप गलत पढ़ेंगे। भाई आपकी आपकी सरकार भ्रष्ट थी, आपकी सरकार बदनाम थी, आपकी सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर उगाही कर रही थी बिल्कुल पैसों की, और आप मंच पर खड़े हुए कह रहे थे कि अगर हम जीते तो भूमई साहब ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, बजरंगबली के नारे लगा रहे थे, आप कह रहे थे हमें 91 गालियां दी गई। अरे 91 क्या, अगर 191 गालियां भी दी जाती इनको तब भी जनता इनको वोट नहीं देती। तो ये ऐसी स्थिति है, कन्नड़ समाज अलग तरह का समाज है, वहां पे हिंदू से हिंदुत्ववादी होने की यात्रा में भी उस तरह का कट्टरपन नहीं पैदा होता है जैसा कि आप गुजरात में देखते हैं, जैसा आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं या दूसरी जगहों पर देखते हैं। देखिए जब जब हिंदूकरण हो रहा था, हिंदुत्ववादीकरण हो रहा था तटवर्ती इलाकों का, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों के जो परिसर थे उनमें ABVP ने अपना सिक्का जमाया, छात्र राजनीति में वो आगे बढ़े। तो अभी अगर आप वहां जाएं, विश्वविद्यालय कैंपस में जाएं और वहां पे लड़कियों से अगर बातचीत करें तो लड़कियां कहेंगी हम BJP के समर्थक हैं, हम ABVP के हैं, लेकिन हम मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन करते हैं। भाई उनको भी हिजाब पहन के शिक्षा पाने का अधिकार है, आप लड़ते हैं उस मुद्दे पे चुनाव। आप येदियुरप्पा को देखिए, येदियुरप्पा लिंगायतों के सबसे बड़े जननेता हैं, वीरेंद्र पाटिल से भी बड़े जननेता हैं, वो SR मुंबई से भी बड़े जननेता हैं, जो जनता दल के नेता थे इन बसवराज मुंबई के पिता, उनसे भी बड़े जननेता हैं। लेकिन वो भाजपा के जो कट्टरपंथी तत्व थे उनको नापसंद करते थे, इसलिए हमेशा वो लॉबी येदियुरप्पा के खिलाफ काम करती थी। एक टीवी रवि है शायद उनका यही नाम है, वो बहुत बड़े कट्टरपंथी नेता है, बुरी तरीके से अपना विधानसभा चुनाव अभी हार गए, वो सिद्धरमैया को सिद्धा मौला खान कहते थे और उन्होंने आर्थिक जिहाद का नारा भी लगाया था मुसलमान व्यापारियों के खिलाफ, बुरी तरीके से वो अपना चुनाव हार गए। वो हमेशा सिद्धरमैया की हमेशा येदियुरप्पा की भाजपा में टांग खींचते रहते थे और वो BL संतोष के साथ रहते थे। तो ये ऐसी स्थिति है, जो भाजपा के कन्नड़ वास्तविक नेता हैं वो लोग भी उतने कट्टरपंथी नहीं है जितने कट्टरपंथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं। तो अवश्य इस बात के लिए आपका धन्यवाद कि आपने मेरे सामने और हमारे दर्शकों के सामने जो कर्नाटक का चुनाव हुआ है उसके विभिन्न पहलुओं को सामने रखा। जो आपकी बातों से सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आई वह यह कि अगर विपक्ष को आगे यानी कि 2024 के चुनाव में अपने लिए कोई एक संभावना तलाशनी है तो उसे एक वैकल्पिक नैरेटिव को गढ़ना होगा और उसे इस बात पर ध्यान देना होगा कि वो विधानसभा चुनाव से संतुष्ट आ रहे, वो इस बात के लिए सजग रहे कि लोकसभा चुनावों में भी उसे सफलता मिले, क्योंकि अतीत में ऐसा हो चुका है कि वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं लेकिन लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के लिए अभय सर आपका धन्यवाद और अगले अंक में मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।